सतना लाइव डॉट न्यूज से। मैं आज खड़ी हूँ यहाँ सब्जी मंडी में, राजेंद्र नगर के सब्जी मंडी में। तो आजकल महागठबंधन चुनाव का समय है, हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के विक्रेताओं से, यहाँ के लोगों से कि इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा, मोदी सरकार या फिर कांग्रेस राहुल। तो आइए जानते हैं हम कुछ लोगों से कि उनका क्या राय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, राहुल सरकार या मोदी सरकार? मोदी सरकार। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखिए काम पर आधार पर वोट मिलता है, कुछ कहने से नहीं मिलता है, ये करना वो करना सबसे नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है उन्होंने क्या क्या आपके लिए सुविधाएं ऐसी की है कि आप मोदी सरकार को वोट करना चाहेंगे? आपको नहीं लग रहा है कि इतना वैकेंसी निकल रहा है, रोड बन रहा है, गाँव में ये शौचालय बन रहा है, आपको अनुमान नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है, लेकिन आपकी क्या राय है इसको लेके? मेरी राय है कि देखिए सब युवाओं लोग का साथ है कि मोदी जी का वोट देना है बस। आप नहीं चाहते कि कांग्रेस को भी एक मौका मिलना चाहिए? देखिए देखिए जनता लोग चाहती है काम, काम पर जनता काम पर ही वोट देती है, भाषण से नहीं देता कोई। ठीक है धन्यवाद। आइए जानते हैं यहाँ के महिलाओं से कि वो क्या चाहती है। आप 2019 का लोकसभा चुनाव में आप किसको चाहती है, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल को? किसकी सरकार आप चाहती हैं, मोदी की सरकार या राहुल की सरकार? नहीं कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि विकास का मुद्दा है, विकास ही काम कर रहा है, मोदी जी अच्छा काम किया है कर रहा है, उसी को जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कांग्रेस को एक मौका नहीं देना चाहिए? कांग्रेस 50 साल रहा, उसका कांग्रेस का देखे सरकार कैसा चला है। सर ठीक है बोलिए, आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है? मोदी की सरकार में बहुत सुविधा। हाँ जैसे कि आप बता सकते हैं कुछ? आराम से हम लोग यहाँ बेच रहे हैं आराम से। और क्या आराम, बस ये बेचने का और कोई आराम नहीं? आराम अपना मेहनत पर ना बनेगा, जितना अपना काम बनेगा उतना करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप, किसकी सरकार बनेगी इस साल? देखिए हम सरकार के बारे में तो कुछ जानते नहीं है, हम आज तक कोई वोट भी नहीं दिए हैं। मोदी जी आए हैं इस बार तो मोदी जी देख रहे हैं, नोट वोट बंद किए हैं तो गरीबों आदमी का बहुत सारा दिक्कत हुआ है, और बहुत जैसे पॉलिथीन वगैरह बंद हो गया तो अभी एक जो पॉलिथीन आ रहा है वो 1 रुपये 30 पड़ता है, पर कि सब गरीब आदमी का दिक्कत हो रहा है, और वो पॉलिथीन पड़ता था 50 पैसे 4 आने, और 4 आने पड़ता था, और गरीबों का बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं किए अभी मोदी जी तो बिहार में कुछ नहीं किए हैं। तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं, आपको क्या लगता है कौन आए? हम क्या कहें, हम तो कोई सरकार के देखे में नहीं किए, समझ में नहीं कि इनको देख के सोचे अच्छे होंगे, पर कि देख लिए क्या है ना है, गरीबों के लिए कुछ कहाँ कर रहे हैं, बस खाली इधर उधर घूम रहे हैं देश विदेश। सरकार के बारे में, कौन सी सरकार आप क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता है पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी को आप बताइए। मैं तो जान रहा हूँ कि मोदी की सरकार आएगी। जोर से कर बोल दीजिए, मोदी की सरकार। मोदी की सरकार आएगी वो ठीक है। कांग्रेस कुछ दिन पहले आपने टीवी में एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अबड़ी वर्ग सरकार मेरी बनेगी तो भूतपूर्व सैनिक को दोबारा काम देंगे। जो कांग्रेस सरकार 35 साल भूतपूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन रोक के रखा 35 साल, वो अब वादा कर रहा है कि भूतपूर्व सैनिक को दोबारा नौकरी देंगे, वो जब सरकार में नहीं आएगा तो नौकरी कहाँ से देगा? वो सारा हिंदुस्तान का जनता 70 साल कांग्रेस को देख चुकी है, हिंदुस्तान में खासकर हिंदुस्तान में भी मोदी के अलावा कोई उसके टक्कर में नहीं है। लगभग 70 बीइंग ए भूतपूर्व सैनिक तो मैं यही कहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन जो 35 साल तक रोके हुआ था कांग्रेस सरकार, वो उन्होंने दी भूतपूर्व सैनिकों को। सैनिकों का मान सम्मान जो आज तक आज उनके राज में भी कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टी लोग जो सैनिकों का मान सम्मान को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, गालियां उनको बक रहे, सब राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं।
एकदम ईश्वर मोदी सरकार आए और हिंदुस्तान और कश्मीर से 337 और 377 और 35 ए ये दोनों खत्म होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये नासूर बन गया है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से नासूर बन गया है हिंदुस्तान के लिए। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ सारी विक्रेताओं और सारे सब्जी वाले सारे नागरिक यहाँ पे सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी सरकार एक बार फिर से सरकार में आए, इस बार फिर से शासन में आए। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।